रुझान की वजह उस मगरबी सकाफती मनाखलत को करार देते हैं जिसने उनके बकौल रवायती इस्लामी इकदार को नुकसान पहुँचाया है। ईरान में नई नस्ल के बागियाना सोच के हामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरानी पार्लियामान की रवां साल जून में शाया होने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हाथकॉल की 80% तालिबात के न सिर्फ बॉयफ्रेंड्स होते हैं बल्कि उन्हें जिनसी राबितों का तजर्बा भी हो चुका होता है। शादी की उम्र के ईरानी नौजवानों खुसूसन लड़कियों के लिए ये दबाव अक्सर बेचैनी और घुटन के एहसास की वजह बनता है। इसके साथ ही उमंग में आपका और हमारा साथ अब यही खत्म हुआ। ये तमाम मौजूदात आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, पता है dw.de/urdu। पाकिस्तान में मसूदी के मशहूर प्रोग्राम कोक स्टूडियो का नया सीजन। सेवंथ में काफी बातें नई हैं, मैचेस काफी नई हैं इसमें जो हम लोग लेकर आए हैं। और इटली के शहर वेनिस में 71वां बैन अक्वामी फिल्मी मेला 11 रोज तक जारी रहने के बाद अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सुनना ना भूलिएगा हमारा अखबार अदबी और सकाफती प्रोग्राम कहकशां कल इसी मजलिस में अमजद अली के साथ। टैक्सीवाला के बारे में मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट देखिए dw.de/urdu। इस वेबसाइट पर आपको मजीद खबरें और रिपोर्टें भी मिलेंगी। आप हमारी नशियात भी सुन सकते हैं और टैक्सीवाला के बारे में मजीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। और इख्तिताम पर अहम खबरों का खुलासा, पाकिस्तानी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात लाने पर रजामंद। पाकिस्तान में बारिशों के सबब हलाकतों की तादाद 200 से तजावज कर गई और यूक्रेनी बहरान के खात्मे के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इसके साथ ही हमारी नशरियात यही इख्तिताम पजीर होती है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।